वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस नाभी। तो हम आए हुए थे उज्जैन, हमने बाबा का दर्शन कर लिया और अब हम जा रहे हैं मार्केट घूमने। सो अभी लॉक हो चुका है वो नहीं किया, बट हम यहाँ का लोकल मार्केट देखने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ का लोकल मार्केट देख रही हूँ और आप लोग को मिलूँगी तो भी कंटिन्यू बने रहना एंड मेरे साथ इंजॉय करना। अब मैं शॉपिंग भी करूँगी थोड़ी बहुत, तो हम शॉपिंग भी करेंगे थोड़ी बहुत, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। चलो मेरे साथ यहाँ का लोकल मार्केट में। जैसे मैंने ये वाला कुर्ता पहना था क्योंकि मेरे को सही लगा, कॉटन का है। अच्छा बोटिंग भी चलती है और ऐसे लोग है ना दिए भी चलाते पानी, मैंने तो पहली बार देखी है। अना तो उतार दो क्या, ओए नाच रही है क्या, देख इधर, ओए देख अनाया, ये चुलबुली को नाने का बहुत शौक है भाई, नाने की कोशिश कर। तालकती महादेव त्रिकाल तो सब जगह लोग बैठे, हम भी बैठे हैं अभी, मस्त मजा आ रहा है। अच्छा तो देखो आप मेरे को नट इतनी अच्छी लग रही है कि पूछो मत, बहुत मजा आ रहा है। मन तो मना नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंदिर में करना मना है, घाट पे बैठना है, इसलिए मैं घाट पे बैठी हूँ। और अभी तो आरती चल ही रही है, पीछे भी चल रही है, कितने सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं और आरती भी चल रही है। बस सच बताऊँ ना, जो नदी के किनारे पर बैठने जो मजा आ रहा है वो कहीं भी नहीं है, पर इस नदी का पानी इतना साफ नहीं है, देखिए कितना गंदा पानी है। शिप्रा नदी के बाद आरती देखने के बाद मैं आ चुकी हूँ कॉरिडोर में, और कॉरिडोर मेरा पहले भी विजिट करा हुआ है तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाऊँगी क्योंकि यहाँ पे मैं बस इसको एंजॉय करूँगी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस बनाई थी कॉरिडोर की, अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा हो तो देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। वैसे अभी मैं इस बार आई हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा रश है, बिकॉज ये संडे का ब्लॉग है और संडे को बहुत ज़्यादा रश भी होता है,
तो देखो आप मेरे पीछे कितने लोग हैं। और एक आपको अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, जो पहले मैं कॉरिडोर में आई थी तब ये नहीं थी, वीआर दर्शन। तो यहाँ पे इनके पास ओनली जितने भी दर्शन है, ज्योतिर्लिंग है, उनमें से कम 5 इनके पास अभी स्टार्ट थे जो आप देख सकते हैं। और 150 रुपये पर प्राइज़ है इसका, और इसमें 3D दिखता है, मतलब बहुत ही अच्छा दिखता है। आप अपने आप को सीधा मंदिर में पहुँचा देते हो, आप भस्म आरती के दर्शन करते हो, भोलेनाथ के दर्शन करते हो, और मतलब ऐसे लगता है कि क्या ही है कि हम भगवान के मंदिर के अंदर है, कोई नहीं है, बहुत अच्छा फील होता है। 30 सेकंड में इसमें फ्री में दिखाया जाता है, बाकी इसमें पैसा लिया जाता है, तो 150 रुपये पर पर्सन होता है। और 8 मिनट तक ये चलता है, और इसमें पूरी आरती सुबह मॉर्निंग में क्या क्या होता है वो सब इसके अंदर दिखाया जाता है। तो मुझे पहले तो डर लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी, जब पर मैंने 30 सेकंड का किया ना तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने इसको 8 मिनट तक किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भोलेनाथ के दर्शन हुए, कॉरिडोर पर दिखाया जाता है, मतलब कुछ ऐसा 3D में दिखाया जाता है कि ऐसे लगता है कि आप भगवान के साक्षात वहाँ पे खड़े हो। अभी देखो ये मैं ताली बजा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे आरती हो रही है, और मैं इधर घूमना घूम के इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे वो पूरा दिख रहा है अंदर का, कि अंदर क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पे ये लड़कियाँ हंस रही है क्योंकि सोचे पता नहीं क्या ही हो रहा है, मैं क्यों घूम रही हूँ, इनके मन में ये चल रहा होगा, बट जो इसको देखेगा ना रियलिटी में उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे सबसे अच्छा लगा, और आप कहीं के भी दर्शन कर सकते हो, आप इसको घर भी ले जा सकते हो और वो आपको QR कोड देंगे, फिर उससे आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। और वो देखने के बाद मैं आ चुकी हूँ महादेव जी के दर्शन करने, और यहाँ पर मैं गिरती गिरती बसती क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। पीछे देखो भोलेनाथ है, मुझे शिवलिंग बहुत अच्छी लगती है, और यहाँ पर जो ये फुहारे चलता है ना भोलेनाथ के आसपास, आप देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा है, कितने लोग खड़े हैं और बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। बट मैंने जैसे पहले बोला कि मैंने कॉरिडोर में वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई है, ओनली फॉर अनाया के साथ इंजॉय किया है, मज़े किए हैं, पूरा का हमारा घुमा हुआ था। ये पहले की वीडियो आपने देखी तो देख लेना, उसके अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा। देन ये आज हमारा 2nd टाइम था, तो मैंने पूरा वीडियो नहीं बनाया, ओनली फॉर मैं घूमी, तो मैं आपको दिखाऊँगी। अनाया देखो हाई कर रही है, अब हम थक गए तो थोड़ी देर हम यहाँ बैठते हैं, फिर हम जाएंगे खाना खाने, डिनर करने, फिर जाएंगे हमारी होटल, और कल हम वापस निकलेंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ बैठे हैं महाकाल महाकाल लोक में। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगी, वो 150 रुपये का था ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसमें पूरे साक्षात आपके ना भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, भस्म आरती और जितनी भी आरतियाँ होती हैं ना वो सब देखने को मिलती है। तो मुझे वो चीज़ सबसे बेस्ट लगी, मैंने पूरे दर्शन किए, मतलब जो चीज़ मैं जानती भी नहीं थी ना वो भी मैंने सब भोलेनाथ की देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप भी कहीं जाओ, कहीं भी आजकल तो सब जगह अवेलेबल होता है, पर अगर स्पेशली महाकाल आ रहे हो तो ज़रूर एक बार ट्राई करना। डेमो भी होता है, वो फ्री में होता है, कुछ सेकंड्स का होता है, और वैसे 8 मिनट का आपको पूरा दिखाया जाता है लाइव, तो मैंने पूरा लाइव देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं कह रही हूँ कि आप भी आओ तो आप भी देखो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अभी तो बस हम थक चुके हैं पूरा, आज तो हमने पूरा घूमा भी नहीं, और फ़ोटोज़ तो बिल्कुल भी नहीं खींचे क्योंकि पहले खींच ली थी तो मन नहीं था फ़ोटो खींचने का, बस ऐसे थोड़ी बहुत वीडियोस ली, थोड़ी बहुत फोटोज ली और बस हो गया। तो अभी हम जाएंगे खाना खाने, भूख तो हमें कम है क्योंकि हमने 3 बजे खाना खाया था, बट थोड़ी सी भूख है तो फिर हम खाना खाने जाएंगे। अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए हम बैठ चुके हैं। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगेगा, अच्छा तो लगना ही चाहिए क्योंकि बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स है, इस बार कुछ ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, अच्छा तो लगना ही चाहिए। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, आई होप अच्छा लगेगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपना प्यार भर भर के लुटाना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।